अग्रवाल समाज द्वारका का वार्षिक आम सभा बैठक रविवार 18 फरवरी 2024 को द्वारका सेक्टर 3 स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें काफी अधिक संख्या में अग्रवाल समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजन का मुख्य उद्देश्य था लोग एक दूसरे को जान सके और अपने जड़ से जुड़ सके, अपने इतिहास को जान सके। अग्रवाल समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग किस तरह से अपने समाज और देश को आगे बढ़ाने के सहयोग कर सकते हैं और अन्य तमाम तरह के मुद्दों पर मंथन किया गया। साथ ही आने वाले दिनों के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रवाल समाज अधिक से अधिक सहयोग कर सके, युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूक। हाँ, मेरा नाम प्रेरणा अग्रवाल है, मैं अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मैं सांस्कृतिक सचिव हूँ। आज हमारी AGM थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें पता लगा हमारे समाज में अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं। कोई एजुकेशन में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई साइंटिस्ट है और कोई पॉलिटिक्स में है, कोई अकाउंट से डील करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप अपने आप में कंप्लीट है। और इसमें क्या होता है कि भी जब आप अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ जुड़ते हैं तो अपने जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। संजय अग्रवाल, अग्रवाल समाज द्वारका का अध्यक्ष वर्तमान में, और आज हमारी दीनदयाल कॉलेज सभागार में अग्रवाल समाज की प्रथम वार्षिक आम सभा बैठक हुई है, जिसमें 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने उत्साह से जो भी हमारे एजेंडे थे उसमें अपना सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पारित किए। और सभी सदस्यों का इच्छा थी कि होली मिलन कार्यक्रम अवश्य किया जाए, और जितने भी हमने पदाधिकारी मनोनीत किए हैं कार्यकारिणी समिति में, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद में संरक्षक, मूल निरीक्षक, सबको आम सभा ने सर्वसम्मति से उनका मनोनयन को अनुमोदन दिया। अग्रवाल समाज द्वारका का ये जो कदम है ये बहुत ही बढ़िया कदम है। अग्रवाल समाज द्वारका के चेयरमैन श्री MP गर्ग और श्री संजय अग्रवाल जी ने पूरे द्वारका के अग्रवालों को संगठित करने का कार्य किया है। ये जो पहली हमारी मीटिंग हुई है आम सभा, इस पर सभी समाज के लोग आए हैं, इस पर हम सब एज ए फैमिली इंटरेक्ट किए हैं, एक दूसरे के बारे में जाने हैं और मिलकर के हम ऐसा करेंगे कि समाज के पूरे फैमिली जो बच्चे हैं उन सबका उत्थान करने के लिए, एक दूसरे का आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। मैं एयर कमोडोर JC गोयल हूँ, ये मेरी पत्नी है रीटा गोयल। आज अग्रवाल समाज द्वारका के कार्यक्रम में आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था और बड़ा ही सुचारू रूप से चला। द्वारका में रहने वाले काफ़ी अग्रवाल बंधु और उनके फैमिली मेम्बर्स इसमें शामिल हुए, सम्मिलित हुए। सब ने अपने अपने विचार रखे द्वारका में अग्रवाल समाज को कैसे और आगे बढ़ाया। आज हम सब यहाँ पे द्वारका अग्रवाल समाज की जो वार्षिक आम सभा है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं और यह कार्यक्रम सारा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। काफ़ी सारे जो समाज के जो मुद्दे हैं उन पे आज विचार विमर्श किया गया और आपसी सहमति के बाद आगे के काफ़ी सारे हमने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको पारित किया। और बहुत ही अच्छी ये शुरुआत है द्वारका के अग्रवाल फैमिलीज़ के लिए कि हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर एक समाज बना रहे हैं। और पिछले एक साल से हम सब कार्यकारिणी के सदस्य इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं कि हम कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से करके द्वारका के अग्रवालों को संगठित करें। महाराजा अग्रसेन ने, जो दुनिया के सबसे बड़े समाज शास्त्री थे, भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के वंशज, उन्होंने दुनिया को समाज शास्त्र कैसे चलाया जाता है ये शिक्षा दी। मानवता की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा के द्वारा विश्व कल्याण की सेवा का मार्ग उन्होंने सबसे बड़ा प्रशस्त किया। उसी मार्ग को आगे प्रशस्त करने के लिए द्वारका अग्रवाल समाज ने अपना एक संगठन खड़ा किया। सभागार में संपन्न हुई और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम समाज के लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उनको इकट्ठा संगठित कर सकते हैं। उसका उद्देश्य, हमारा एक मेन उद्देश्य ये भी है कि हम आपस में अलग अलग किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को दूसरे परिवार से कैसे मिला सकते हैं। और जो आज अग्रवाल समाज के अंदर सबसे बड़ी जो एक समस्या खड़ी हुई है बच्चों के रिश्तों की, जब हम लोग समाज को बढ़ाएंगे, एक दूसरे का परिचय होगा समाज के अंदर, तो नेचुरल है कि उस परिवार के बारे में जानकारी मिलेगी कि उसका परिवार कैसा है, कैसे संपन्न है, क्या व्यवसाय करता है। तो मेरा अपना अनुभव है कि हम इस समस्या को, जो हमारी एक रिश्तों की समस्या है, उस पर हम काफ़ी